भाई वो लोग सबको बेसिक रहता है, बैठा रहे काम करे, वो लोग का टेंशन नहीं है, काम करे बाहर में जाए, बैठा है तो बैठा है। बट उसका सैलरी उतना ही आएगा, 2200 2300 2000 1700 ऐसी सैलरी आता है FGV। देखो दोस्त भाई लोग, मलेशिया में आने के बाद ना फल काटने में ना देखो कैसे धार लगाया जाता है, काम करके फल देखो धार लगाया जाता है, कि क्योंकि कल काटने के लिए सुबह आएगा तो फिर वापस काटेगा, ये रूम नहीं लेकर जाना चाहिए, ये बागान का अंदर रहता है। देखो धार कैसे लगा रहे हैं इस पे, देखते ना भाई, इसी तरह से धार तुमको लगाना पड़ेगा, कैसे कैसे कि इतना चोक होएगा तब जाके तुम्हारा डेगो कटेगा, फल कटेगा। देखते ना भाई, टेलर है, फिल्म तो बाकी है आगे का, कैसे देखो काटते हैं लोग, धाए 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 धाए। ऐसे में देखो ये नाला, यहाँ पानी रहता है एनी टाइम, ये बगान के अंदर देखते हो ना भाई, बहुत ज़्यादा यहाँ पे मतलब ना पूर्णिंग चल रहा है आजकल, ज़्यादा ही पूर्णिंग चल रहा है। इसके लिए भाई ना बहुत ना धार मतलब पहाड़ के छाबी का धार लगाओ के तब जाके वो कटता है भाई, क्योंकि फल काटने के सीजन आ गया है। तो इसलिए पहले ना जानते हो क्या होता है भाई, पहले ना पूर्णा पूर्णिंग होएगा, पूर्णिंग होने के बाद फिर फल काटने स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि डेगो ज़्यादा नीचे रहेगा। जो फल काटते हैं भाई उसके लिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होता है, क्योंकि 3-4 डेगो काटना पड़ जाता है। इसके लिए वो पहले कंपनी पूर्णिंग करा रहा है, 1 रुपया 20 पैसा दे के पूर्णिंग कराएगा, क्योंकि पूर्णिंग हो जाने पे भाई तो पैसा अच्छा कमाने के हाय हाय टाइम आ जाएगा। वो तो बताते हैं भाई, चलो दिखाते हैं आपको कि कैसे पूर्णिंग करने के बाद कितना हमको छोड़ना चाहिए अथु डेगो नीचे। देखते ना भाई, एक डेगो काट दिया, देखो ये फल है ना, अब फल के नीचे एक डेगो रहना चाहिए, अब दूसरे का डेगो नहीं रहना चाहिए, क्योंकि डेगो रहेगा तो फिर बाद में ये फल काटेगा तो डबल डेगो काटना पड़ जाएगा। इसके लिए भाई तो एक को, अभी देखो ये फल पक गया है सारा, एक कैसे हो गया देखो, ये बिच्चू कुड़ी पूरा गिर रहा है इसका, देखते हो रिफाइन का ये सब गिर रहा है, देखते ना भाई ये ऐसा तरह गिरता है, ये मतलब एक फल पक गया इसका नीचे का, देखो डेगो सब पूर्णिंग हो गया है, ये मैं पेड़ मतलब पूर्णिंग सब कर दिया है, देखते ना भाई ये चारों तरफ से देखो ये पूरा फल लिया है इसमें, यहाँ देखो दूर दूर गो फल पका है, 3-3 गो इस पेड़ में, देखते ना भाई ये सब। बाकी इसका नीचे ना एक फल के नीचे भाई एक ही डेगो रहेगा, डबल नहीं रहेगा, क्योंकि ज़्यादा छोटा पेड़ रहेगा तो उसमें डबल रहता है, बाकी ज़्यादा नहीं रखना चाहिए, अगर ज़्यादा तुम ना डेगो छोड़ दोगे ना भाई तो फल ना छोटा होने लगेगा, इसके लिए ज़्यादा नहीं। इसलिए पहले ना सीजन आ रहा है, पैसा कमाने का वक्त आ रहा है अभी इस समय, मलेशिया में ज़्यादा से ज़्यादा ना अभी पूर्णिंग अभी ना हर साइड में मतलब चल रहे हैं, उतना फल नहीं काटता है, खाली 2-3 दिन कटेगा ये फल, अभी सब पूर्णिंग हो रहा है, एकदम जंगल भी साफ हो रहा है ज़्यादा से ज़्यादा भाई। इसके लिए ना ज़्यादा अभी ना सीजन आने का आगे ही महीना में आखिरी में पूरा सीजन आ जाएगा, हर पूरा फल ज़्यादा पकने लगे स्टार्ट हो जाएगा, तो इसलिए भाई फल पकेगा तो सैलरी भी कब। यहाँ पर पूर्णिंग कितना हुआ भाई देखो, बताते हैं, देखो जंगल था, जंगल कुल काट के देखो नीचे ये पूर्णिंग हुआ है इसमें, देखो भाई देखते हैं ना भाई, मैं आपको ये दिखाते हैं, देखो पूर्णिंग हुआ है, सब इधर काट के नीचे सुला गया, मतलब रास्ता पूरा देखते भाई ना अंदर तक ले क्लियर, क्योंकि फल निकालने के लिए उसको रास्ता चाहिए अच्छा, ठीक ना भाई, देखते भाई ना एक नंबर का काम किया है लोग, पैसा तो इसी के नहीं मिल रहा है भाई। इसी तरह मलेशिया में तुम लोग आने के बाद भाई काम करना पड़ेगा, ये जो रिफाइन का पंप के बगान का रहे हो, प्लांटेशन कंपनी मार रहे हो तुम लोग, तो इसी तरह से सबको काम करना पड़ेगा कहीं बेसिक में। अब बाकी FGV कंपनी है भाई, वो लोग सबको बेसिक में रहता है, बैठा रहे काम करे, वो लोग का टेंशन नहीं है, काम करे बाहर में जाए, बैठा है तो बैठा है। बट उसका सैलरी उतना ही आएगा, 2200 2300 1700 ऐसी सैलरी आता है FGV वालों के, और जो कॉन्ट्रैक्ट में रहता है भाई जितना काम करेगा उतना ही उसका पैसा मिलता है। तो FGV में जो आने वाले हैं भाई उसको तो भाई शुक्र करो, तुम FGV की कंपनी के वीजा मिला है, अच्छा है तुमको, बढ़िया मिला है, बेसिक में रहोगे दिन भर में एक ही काटोगे कहीं दो काटोगे, कितना फल तुमको टाइम पास करना होगा उसमें, 8 घंटा ड्यूटी देना होगा, ओवर टाइम करोगे तो 10 रुपया घंटा ओवर टाइम चलता है, तो तुम्हारा 2200 तक आ जाएगा, 2200 2300 रिंगिट आ जाएगा सैलरी भाई। FGV में माना आना भाई ना, तो बढ़िया से कोई कंपनी मिले ना मिले, FGV में मिल जाएगा वीजा तो चले आना, उसमें सोचना मैं नहीं, क्योंकि FGV में भाई थोड़ा मस्त है, कोई काम करता है कोई नहीं करता, तब वो सैलरी वो लोग का 2200 तक आ जाता है।
मैं इसके लिए राय हमेशा सबको दूंगा भाई कि 2200-2300 रिंगेट हमनी टाइम तुम कमा लोगे। अब उसके ऊपर हम नहीं जानते हैं क्योंकि हम इतना कर सकते हैं बेसिक में रहोगे तो ओवर टाइम का के 2200-2000 रिंगेट तक ले आ जाएगा। ठीक है भाई ना। आ कोई भी प्रॉब्लम हो भाई इंस्टाग्राम पे SMS करो, इंस्टाग्राम पे फ़ोन करो, कहीं कॉल कर सकते हो, वॉइस में SMS कर सकते हो। अगर भाई वीडियो पसंद आएगा तो भाई लाइक कर देना भाई, शेयर कर देना, कमेंट कर देना, सब्सक्राइब कर देना। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक लिए बाय बाय बाय।